जरूर करें। समाज सेवा करने के बाद इससे प्राप्त आत्मसंतोष का सुख अलग प्रकार का अलिया की बहुत बड़ी बात है। और अरुण प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हुए और समय समय मान समारोह के लिए वक्त निकाला और आज क्योंकि बहुत से प्रोग्राम में होस्ट करता हूँ उसमें आप हमेशा साथ रहे। संजय कश्यप जी समाज सेवी भी हैं समय समय के साथ जिले के बल्कि न लखनऊ जिले के बल्कि प्रदेश के और देश के भी जाने वाले चेहरे चाहे वो केंद्र का हों चाहे वो केंद्र के हों आप सब सबसे पहले मैं सबका अनुरोध हो गया है फोन पर क्यों कॉल कर रहे पुलिस वाले तुम्हारी मदद करें वो हम बच्चों को संस्कार ही नहीं देते भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सक्रिय नेता हैं। पुलिस परिवार पत्रकार परिवार और सभी समाज सेवी नायक गुरु का स्वागत ये बहुत बड़ा संवादहीनता का प्रश्न हो जाता है प्रेस और मीडिया के बीच में अधिकतर समस्याएं पैदा होती है। जियाद याद से करीब 1982 में प्रकाश सिंह होते थे तब आईजी थे और पहले देखिए वो काबिल एन इंटेलेक्चुअल पुलिस ऑफिसर ही वाज अरे जैन कलेक्टिव प्रेस प्रकाश सिंह जी ने मीडिया प्रेसिडेंट जिन्हें लुकाए थे कई चीज़ें प्रेस की थी क्या वीकर पॉइंट्स कहाँ है हमारी कमजोरियाँ डिस्कॉशन करके अखबार में वो कमजोरियाँ खबर छुपाते हुए आगे थे किसी को भी उठाई के बाद ही मुझ पर उसके बाद तरह तरह की यात्रा जो कुछ भी है लेकिन एक बात जो भी बात नहीं और जो साथियों से कहते हैं आप इंतफाक हो गए अगर मीडिया हैंडलिंग करनी हो तो खबर को कभी दवाई नहीं हो खबर एक श्रीमती चेतना पांडे जी सोशल एक्टिविस्ट। नमस्कार मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय हम लोग पुलिस लाइन में जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि माँ गायत्री जन सेवा संस्थान और इशू वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम का नाम है एक मंच तीन आवाज सेवा सुरक्षा लेखनी जन संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। तो यहाँ पे हमारे बीच में बहुत से लोग हैं उनसे बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी यहाँ पे मौजूद हैं तो उनका भी आगमन यहाँ पे हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहते हैं। आइए चलते हैं यहाँ पे बात करते हैं और जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनसे ही बात करते हैं। आज कार्यक्रम के आज के आयोजक कर्मठ समाज सेवी आदरणीय श्री अरुण प्रताप सिंह जी आदरणीय गुंजन वर्मा जी आदरणीय मुकेश मिश्रा जी आदरणीय नीतिका गौर जी आदरणीय सीमा राय जी और उपस्थित सभी महानुभाव मैं कार्यक्रम का शीर्षक देख रहा था और जनशक्ति सेवा संस्थान सेवा सम्मान जो है वो सेवा सुरक्षा और लेखनी एक अलग सा समन्वय है। सेवा के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता लिखने वाले पुलिस से संबंधित लोग और सुरक्षा जो हमें जीने की सुख शांति जो देते हैं ऐसे सुरक्षाकर्मी या पुलिसकर्मी उनके सम्मान का यह आयोजन है। मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरक्षण के लिए ये तीनों व्यवस्थाएं लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं। आदरणीय के विक्रम राव साहब के तमाम तो अब हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव जी जुड़ रहे हैं। आज जिस कार्यक्रम के लिए उनको बुलाया गया था सम्मान के लिए तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद
कार्यक्रम तो अच्छा था और ऐसे होना चाहिए, क्योंकि पत्रकारों में अर्थात मीडिया और पुलिस में जो संवादहीनता होती है उसकी वजह से काफ़ी परेशानी पैदा होती है समाज में, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है और उसके लाके अव्यवस्था फैल जाती है। तो जितना अंडरस्टैंडिंग, समझ और नज़दीकी रहेगी मीडिया और पुलिस में, उतना समाज के लिए बेहतर है। जैसे मैं मानता हूँ कि पुलिस को खबर दबानी नहीं चाहिए, खबर एक रबड़ की गेंद होती है, जितना दबाएंगे उतना उछलेगा। जैसे आपने अपने स्पीच में कहा था खबर एक रबड़ की तरीके होती है, उसको दबाना नहीं चाहिए, अगर दबाया जाएगा तो इतना और उछलेगी। और ये मेरा जीवन का अनुभव रहा है, कम से कम 50 साल 52 साल में रहा हूँ मीडिया में, भारत के 11 राज्यों में काम किया, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया। तो मेरा ये मानना है कि जितना संवाद होगा उतना बेहतर है। अब जैसे कल लखनऊ, सारे भारत में जिस प्रकार के दंगे का माहौल पैदा हो गया था, एक सिविल वॉर का खतरा हो गया है। मतलब भारत में अब कोई भी नागरिक उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जान कब तक सुरक्षित रही कह नहीं सकते। इस प्रकार के मजहबी तनाव में अराजकता फैल सकती है। इस तरीके से एक चैनल पे, वरिष्ठ चैनल पे दिखाया गया था, डिबेट हुआ था और डिबेट के दौरान पर ऐसे संवाद करे गए थे जिसका आज परिणाम पूरा देश। अब वो तो प्रवक्ता को सावधान रहना चाहिए, बल्कि मैं तो मानता हूँ कि जो प्रवक्ता लोग हैं पार्टियों के, उनको स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए, समझ के बोलना चाहिए। अखबार के दफ्तर भेजिए उन लोगों को, बताइए क्या कथ्य अकथ्य क्या है, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। सनसनीखेज बयान प्रवक्ताओं को अवॉइड करना चाहिए। और यही जो एक प्रवक्ता बोली जिस वजह से तूफान हो गया, अगर न कहती टाल जाती तो आज ये न होता। देखिए दुनिया भर में बात फैल गई, तो मेरी अपेक्षा यही है मीडिया के साथियों से, राजनेताओं से और पुलिस से भी, यहाँ तो उसके संयम जरूरी है, जान माल के नुकसान का खतरा है। तो यहाँ पे जो जनशक्ति सेवा सम्मान का कार्यक्रम रखा गया, हमारे साथ जोगेंद्र पाल सिंह जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आयोजित किया गया है, क्योंकि ये सम्मान, इसी सम्मान के हम लोग भूखे होते हैं। हम लोग अपना पीठ पीछे तो बहुत सारे काम करते हैं और तब से हम ब्लड डोनेट अपना करते चले आ रहे हैं। एमरजेंसी में कभी भी किसी जरूरत पड़ती है, हम ये नहीं देखते कौन मांगने वाला है, कौन किस जात का है, किस धर्म का है। जब जरूरत पड़ती है रात में 12 बजे 1 बजे हमारे पास कॉल्स आती है। हमारे अपने एक ग्रुप बना हुआ है जो निस्वार्थ भाव से पूरा काम करता है, करीब 200 से ऊपर लोग उसमें हमारे ब्लड डोनेशन से लोग जुड़े हुए हैं। जो किसी भी ग्रुप का और जो ब्लड की आवश्यकता पड़ती है हमको कॉल्स आती है, हम लोग उसी वक्त चले जाते हैं। अगर हम हर 3 महीने बाद 43 बार ही ब्लड डोनेट किया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, क्योंकि 43 बार ब्लड डोनेट किया। तो सर बहुत से लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो सोचते हैं कि बहुत वीकनेस आ जाती है। वीकनेस है कि एक गलत भ्रम है, और इससे बल्कि आपका फिल्ट्रेशन ही होता है ब्लड का। आपको हार्ट अटैक की बीमारियां जो होती हैं उन सबसे, जो अपने डायबिटीज की बीमारियां होती हैं, इससे पॉजिटिव चली जाती है। तो मेरा अनुभव यही है, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी लैब में बनता नहीं है, ये डोनेट करना पड़ता है। और इसी मेरे ख्याल से इसको डोनेट करना सभी को चाहिए, चाहे वो 18 वर्ष की उम्र से लेकर के 60 साल की उम्र तक जो भी ब्लड अपना डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि सर ब्लड कई फैक्ट्री में नहीं बनता, वो मानव शरीर में भगवान ने देन दिया हुआ है, जो फैक्ट्री अपने अंदर है, जो बनता रहता है, जितना आप देते रहिए उससे दोगुना बनता भी रहता है। जी हाँ, बिल्कुल एकदम ठीक फरमाया आपने। और हमारा तो बस सभी को, इस पूरे नीलू फाउंडेशन को और अरुण प्रताप सिंह जी को बधाई है कि आगे ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें, जैसे कि नए नए लोग मिलते रहें और इस तरह के काम करते हैं। अब हमारे साथ में आशा रॉय जी जुड़ रही, जो कि आस्था सेवा संस्थान की अध्यक्ष है, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरीके से यहाँ सभी लोगों का सम्मान हो रहा है, जितने भी समाज सेवक है, समाज सेविका है, पुलिसकर्मी है और मीडिया बंधु है, सबका सम्मान हो रहा है। तो हमारे साथ में आशा जी भी है, तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, वो क्या कहेंगे। आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद। मैं आशा राय, वैसे तो मैं गायत्री सेवा संस्था अरुण प्रताप सिंह जी जो हैं, इनसे ये काफ़ी पहले से ही बस ये है कि आप मैम बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत तो इन्हें भी बहुत मेरे, क्योंकि मैं एक्सपोजर मेरा थोड़ा कम है, मैं बोलती भी, तो इन्होंने हमको बोला कि आपका नाम मैं वो कर रहा हूँ, तो इसमें आप आइएगा ज़रूर। तो मैंने देखा कि इसकी जो मेन वो था ना कि पुलिस, पत्रकार एंड समाज सेवी, बाकी तीनों का कॉम्बिनेशन अपने आप में ही एक ऐसा है कि देखा जाए कि इन तीनों के बिना समाज की जो मतलब सच्ची पहल है, अगर देखा जाए सच्ची एग्जैक्टली क्या कहते हैं कि मतलब जो रूपरेखा जो दिखाई देती है
वो इन्हीं के द्वारा ही तीनों के मिलने से ही बनती है। लेकिन अरुण जी ने ये करा है कि जन सेवी को सबसे पहले रखा, उन्होंने समाज सेवकों को पहले रखा, उसके बाद पुलिस। नहीं, वो अब एक्चुअली अभी तक आपको याद होगा कि समाज सेवी जो है उन्हीं को ही पुरस्कार मिलता था। अभी क्या है, पत्रकार एंड पुलिस ये अभी जुड़ी है ना, और ये फैक्ट है कि इन लोगों को सम्मान देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये लोग भी हमारी तरह सेवा करते हैं। हम सोचते हैं कि समाज सेवी हम नाम से करते हैं, एक संस्था बना के करते हैं या इंडिविजुअल करते हैं, लेकिन ये देखा जाए तो ये सरकारी ड्यूटी में रह के भी अलग से भी सेवा इनकी प्रायोरिटी तो ये होती है कि सेवा ये करते हैं ना। कोरोना काल में हमने देखा है कि पुलिस कर्मियों ने जितना काम किया है, बहुत से लोगों ने इतना काम किया, खाना वितरण भी किया है, लोगों को पहुँचाने का भी कार्य बहुत सारा किया। एग्जैक्टली, इन लोगों का मैंने भी, चूँकि कभी अगर मतलब मुझे रात को कभी, मैंने 10 बजे के आसपास मैं एक बार बाहर निकली दवा के लिए, किसी के लिए इंजाम करवाना था, तो उस समय इन लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की कि अपनी गाड़ी से लेके हम वहाँ गए। तो इतनी हेल्प करना बहुत होती है कि मतलब आप अकेली आप जा रही हैं, आपको किसी, तो इस तरह से हमें लगता है कि वैसे भी ये पीरियड ऐसा है कि लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, लेडीज़ कहीं भी जा सकते हैं, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन इन लोगों का जो सहयोग है बहुत ज़्यादा ही इसमें होता है। और जिस तरीके से कार्यक्रम रखा गया है जन शक्ति सेवा सम्मान, तो यहाँ पे बहुत से लोगों का सम्मान हुआ। हमारे साथ अनूप जी भी हैं, तो पहले तो हम उनका पूरा परिचय जानते हैं। सर जी, आपका पूरा परिचय बताइए। मैं अनूप कुमार मिश्रा, सीनियर सब इंस्पेक्टर, और वर्तमान में मैं PSC मुख्यालय महानगर लखनऊ में और सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी दायित्व हैं वो निर्वहन कर रहा हूँ, और पिछले 25-30 सालों से अपनी पुलिस सेवा के साथ साथ सामाजिक दायित्व भी कर निर्वहन कर रहा हूं, और इन्हीं सबको दृष्टिगत कर रखते हुए भाई अरुण सिंह जी और उनकी साथी, उनकी पूरी टीम द्वारा जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया वह तुलनीय है और बहुत ही प्रेरणादायक है। इससे जो भी हमारे कर्मवीर हैं, चाहे वो पत्रकारिता के जगत में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो या हमारी पुलिस सेवा में हो, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका उत्साहवर्धन होगा और वो पूरी ऊर्जा के साथ और आगे काम करेंगे। अब हमारे साथ में जुड़ रही हैं समाज सेविका रूपाली श्रीवास्तव जी, तो जिनका सम्मान किया गया क्योंकि ये एक मंच दिया गया 3 आवाज़ों के लिए, तो उनसे भी हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। मैम आपका स्वागत। थैंक यू सो मच अर्चना, और आज ना सिर्फ एक मंच पे 3 विभागों को जोड़ा गया बल्कि बहुत उत्तम तरीके से इसको किया भी गया है। मैं मानती हूँ कि पत्रकार हमेशा ऑफ स्क्रीन ही होते हैं, जैसे पुलिस भी हमेशा ऑफ स्क्रीन रहती है, समाज सेवियों को तो फिर भी लखनऊ में थोड़ा स्कोप है, लेकिन पत्रकारिता को जिस तरीके का मंच आज मिला है उसके लिए मैं बहुत सराहना करती हूँ। निशु वेलफेयर फाउंडेशन की और माँ गायत्री सेवा संस्थान, अरुण जी के कार्य प्रणाली को मैं पहले से जानती हूँ और मैं जानती थी कि अगर वो कोई चीज़ प्लान करेंगे तो वो बहुत ही उत्कृष्ट होगी, और उसी श्रृंखला में आज मुझको भी एक अवार्ड मिला है। हालाँकि मैं मानती हूँ कि जो सेवा मैंने चुनी है उसके लिए अवार्ड प्राथमिकता नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि बहुत प्रेम से ये दिया गया है तो मैं इसको स्वीकार करके बाहर आई, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना, आपने मेरे लिए सोचा। धन्यवाद। तो मैम आपका पूरा नाम? मेरा नाम पुनीता भटनागर है। मैं आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? आपका आज का कार्यक्रम तो एक्सीलेंट था, क्योंकि 3 वर्गों से लिया, एक समाज सेवी को लिया, पुलिस को लिया और पत्रकारों को लिया। ये ऐसे स्तंभ है जो समाज को बहुत आगे विकसित कर बहुत विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं, जिनके पॉजिटिव सोच हम तीनों लोग, पत्रकार हों या पुलिस हों, अगर वो सकारात्मक बीड़ा उठा लेते हैं तो पूरे समाज को बदल डालते हैं। और मैं बहुत आभारी हूँ कि अरुण जी ने, गुंजन जी ने मुझे इसमें आमंत्रित किया सम्मान देने के लिए। वैसे मैं काम तो बहुत वर्षों से कर रही हूँ। अब हमारे साथ में निशु वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष गुंजन वर्मा जी जुड़ रही हैं, तो उनसे पूछेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। मैम आपका स्वागत। जी धन्यवाद। आज का जो ये कार्यक्रम है ये 2 संस्थाओं द्वारा किया गया था, एक निशु वेलफेयर फाउंडेशन, दूसरा माँ गायत्री जन सेवा संस्थान। और हमारी ये कोशिश थी कि हम एक मंच पे पुलिस, पत्रकार और समाज सेवी तीनों को लेकर आएँ, उनके बीच में एक जन संवाद हो, वो अपना पक्ष अपनी बातें रख सके, और साथ ही एक सम्मान समारोह भी था जिसमें इन दोनों संस्थाओं के द्वारा 50 पुलिस कर्मियों को, 32 पत्रकारों को और 50 समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। तो मैम जिस तरीके से आज के दौर पे समाज सेवक, समाज सेविका प्लस पत्रकार, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे माहौल में कुछ अराजकता फैली हुई है, कुछ ना कुछ लोग बोलते हैं जिसके वजह समाज सेवक लोगों को या फिर पुलिस कर्मियों को उस चीज़ का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे माहौल को लिए क्या कहेंगे?
देखिए आप वो दिन याद करिए, कोरोना का समय याद करिए, जिस समय आम जनता अपने घरों में कैद थी, उस समय सड़कों पे आपको जो लोग दिखाई देंगे वो पुलिसकर्मी थे, वो पत्रकार थे और वो जनसेवक थे, क्योंकि हम लोग खुद सड़कों पे थे, हमने उनकी मेहनत देखी है और हम तीनों जो वर्ग हैं इन्होंने एक समन्वय के साथ कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया और हमने देखा कि जो एप्रिसिएशन पत्रकार बंधु और जो एप्रिसिएशन पुलिस डिजर्व करती है वो शायद उनको नहीं मिल पाता है। तो हमारी संस्था की तरफ से एक छोटा सा ये प्रयास है और आगे हम कोशिश करेंगे कि इससे भी बड़े स्तर पे कार्यक्रम कर सकें और जो लोग समाज में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं उनको आगे लेकर आए और उनको सम्मानित करें। निशु वेलफेयर फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज के किन क्षेत्रों में प्रमुखता से कार्य? जी, निशु वेलफेयर फाउंडेशन जो है ये शिक्षा, एक तो स्लम किड्स की एजुकेशन से लेके महिलाओं के रोजगार के लिए, सशक्तिकरण के लिए, हाइजीन के लिए, चाहे किसी की मतलब बीमारी में इलाज कराना हो, हमारा जो एनजीओ है वो ये नहीं है कि बस यही करता है, जिस भी वे में संभव होता है किसी की अगर हम मदद कर सकते हैं तो हम हर तरीके से उसकी मदद करते हैं। अब हमारे बीच में मुकेश बहादुर सिंह जी जुड़ रहे हैं, तो उनसे पूछेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, वो क्या कहेंगे? आपका स्वागत है सर। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था वो अरुण जी और गुंजन जी और इनकी संस्था जो है निशु वेलफेयर फाउंडेशन ने जो एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया वो एक बड़ा कार्यक्रम था, क्योंकि किसी भी आदर्श समाज की संकल्पना में ऐसे कार्यक्रमों का महत्व हो जाता है। जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, मुख्य रूप से समाजसेवी, पत्रकार और पुलिस, इन तीनों का सम्मिश्रण कर करके अरुण जी और गुंजन जी ने जो कार्यक्रम आयोजित किया और ऐसे लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समय पर उन्होंने समाज को अपनी सेवाएं दिया, तो एक अच्छा कार्यक्रम है। ऐसा कार्यक्रम जो है वो समाज को मोटिवेशन देता है, जो लोग काम करते हैं उनको अगर किसी प्लेटफॉर्म पर सम्मानित किया जाता है तो उनको और प्रेरणा मिलती है और उसको देख करके दूसरों लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो मैं सफल कार्यक्रम के लिए अरुण जी और गुंजन जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। अरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद अर्चना जी। मैं तो ये कहूँगा कि तीन वर्गों को समन्वय स्थापित करते हुए मैंने एक मंच पे एकत्रित किया और हमारे संरक्षक के रूप में आदरणीय मुकेश बहादुर सिंह जी भैया हमारे साथ उपस्थित हैं, आप सबका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उसी मार्गदर्शन संरक्षक के ऊपर हमने एक कार्यक्रम किया। कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार की वो CP सर ने तैयार की थी, दुर्भाग्य है कि वो उपस्थित नहीं हो सके क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लग गया है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसकी वजह से वो उपस्थित नहीं हो सके। और कार्यक्रम को मैंने इस रूपरेखा में रखा है कि जो है पत्रकार और समाजसेवी और पुलिस, इन तीनों का समाज के प्रति बहुत लंबा योगदान रहा है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि चाहे वो पुलिस हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे जनसेवी हो, सब ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जब लोग अपने घरों में एक कोविड काल में डरे सहमे हुए बैठे हुए थे, उस पीरियड में इस तीन तबकों ने, तीन वर्गों ने जमीन स्तर पे उतर करके समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कार्य किया। उनको राशन, दवाइयाँ, उनको हॉस्पिटलाइज कराना, ये सारी जिम्मेदारियाँ उन लोगों ने उठाया और इन्हीं लोगों को, इनके सेवाभाव को देखते हुए मैंने ये कार्यक्रम किया। जिस तरीके से एक मंच तीन आवाजों को यहाँ पे आवाज़ दी गई, तो हमारे साथ में समीर शेख भी हैं, तो उनसे भी बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। आपका स्वागत है सर। आज का कार्यक्रम एक मंच तीन आवाज़ वाकई में एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है हमारे अरुण सिंह चौहान, क्योंकि इन्होंने जितनी मेहनत, इतने सारे लोगों को सम्मान देना, इतनी मेहनत करना, वाकई में ये बहुत बड़ी सराहनीय कार्यक्रम है। मैं सबको एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माँ गायत्री फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं आप और निशु वेलफेयर फाउंडेशन से जितने भी पदाधिकारी हैं सबको बहुत बहुत बधाई बात देता हूँ। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरीके से एक मंच पे तीन आवाज़ों को मेल किया गया? ये बड़ी बात रही है कि भाई हमारे अरुण जी और गुंजन जी, इन लोगों ने मिल करके एक बड़ा संयोजन किया है। एक जो चार खम्भे हमारे होते हैं, एक आपका होता है पत्रकार का, वही आपका मतलब पत्रकार ही है आप, तो एक पत्रकार का होता है, एक मीडिया का हो, मतलब एक मीडिया हो गया और एक हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, प्रशासन हो गया, एक हमारा समाज सेवा हो गया, चौथा एक जो छोड़ रखा है इन्होंने जो संस्कृति के लिए है वो भी आगे करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इस तरह कार्यक्रम करने से एक एक जन जागरण होती है और दूसरा प्रोत्साहन मिलता है कि मैंने अच्छा कार्य किया, हमको प्रोत्साहन मिला। चार लोग जो तालियां बजाते हैं, वो जो तालियों गड़गड़ाहट होती है वो फिर कोरोना काल में आपने देखा होगा, वो गड़गड़ाहट के आगे वो भूल जाता है और रात दिन सेवा करने का उसका अवसर मिलता है। उसको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए और उससे समाज को एक बड़ी प्रेरणा मिलती है जिससे लोग सामाजिक कार्य करते रहते हैं। तो आज हम लोग आए थे पुलिस लाइन में, जहाँ पर माँ गायत्री जन सेवा संस्था और निशु वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था एक मंच तीन आवाज़ों को लेकर के। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे जिनकी विचारधारा आपने सुनी, जिनका सम्मान हुआ था, उनकी बातें भी आपने सुनी। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ।